हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके क्रश की फीलिंग्स। ये आपको उस व्यक्ति के लिए देखना है जो व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मनी मन उनके लिए फीलिंग्स डेवलप किया हुआ है। ये वन साइडेड लव हो सकता है, दोनों साइड से भी हो सकता है। ओवरऑल हम आपके क्रश की फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है? सो जल्दी से उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसके बारे में आप, जिनकी फीलिंग्स को आप देखना चाहते हैं, ठीक है? उस व्यक्ति का ध्यान करने की कोशिश करें या मनी मन उनका नाम दोहराए। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं, इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उस इंसान की भावनाएं इनके लिए क्या है, उस व्यक्ति की ट्रू फीलिंग्स इनके लिए क्या है। जस्टिस, स्ट्रेंथ, डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, हैंगमैन, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्स, थ्री ऑफ कप्स एंड लास्टली टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये क्रश की फीलिंग्स के लिए मैं केल्टिक क्रॉस रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ। थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, रुको एक मिनट, और मैं डेक यूज करने जा रही हूँ, वेट। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली तुला राशि के, कुंभ राशि के, टॉरस राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, सैजिटेरियस राशि के दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एरीस राशि भी दिखाई दे रही है। बर्थ नंबर जो दिख रहे हैं, नंबर 13 है और 14 है, नंबर 6 है, नंबर 27 है, नंबर 30 है, 31 भी है, उसके अलावा 24 है। यहाँ पर नंबर 11 भी दिखाई दे रहे हैं, 9 है और 4 है। ये नंबर्स बर्थ नंबर्स में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति इस वक्त काफी ज्यादा अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बेहतर करने पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जॉब, अपनी करियर, अपनी फैमिली, सबको फोकस करने के बारे में सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। जस्ट इसकी एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, जिस इंसान के लिए आप फीलिंग रखते हैं ना, वो पिछले कुछ टाइम से आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से उनका आपकी तरफ ज्यादा ध्यान जा रहा है, जैसे एक प्रकार की लस्ट, या एक तरह से आप लस्ट मत नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते कि कोई एडिक्शन या मैग्नेटिक पुल है जो आपके प्रति उन्हें फील हो रहा है। बहुत स्ट्रांगली उन्हें जैसे कि आपकी तरफ बार बार उनका ध्यान जा रहा है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है, जैसे वो चाहकर भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग में कहीं ना कहीं हावी करते हुए, आपके बारे में डे एंड नाइट सोचते हुए, इवन फैंटेसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो व्यक्ति आपसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, काफी ज्यादा, और ये पिछले कुछ टाइम से, ये अट्रैक्शन पिछले कुछ टाइम से है, बट ये अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आपको अप्रोच करना गलत होगा, ये डिसीजन राइट नहीं है, या बहुत रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग होने का कारण, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्स्टेकल को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी मुश्किलें हैं जिसमें चाहकर भी अगर ये आपके करीब आए तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ जाएगा, और उसका नुकसान अकेले वो नहीं, आपको भी भुगतना पड़ जाएगा। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो आपको बता नहीं सकते, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जो आपको नहीं एक्सप्रेस किया जा सकता। ओके, इनकी लाइफ में क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे इश्यूज हैं। यहाँ पर इन्होंने हाल ही में या तो इनकी इंगेजमेंट टूटी थी, या इनके घर में किसी तरीके का या तो ये कमिटेड थे, कमिटेड है, या कुछ ऐसे शादी वगैरह का, मैरिज वगैरह का, इनके घर में कलेश दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा। इनकी फैमिली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। ऐसे में अगर इन्होंने आपको अप्रोच किया तो इन्हें पता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपकी फैमिली, कल्चर, कास्ट वगैरह डिफरेंट है, जिसकी वजह से इनको डर है इस बात का कि आप जो है इनके मतलब चाहकर भी इनके साथ नहीं रह सकते, चाहकर भी ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप डिजर्व करते हो। इनके इसके वजह से ये अपनी फीलिंग्स से दूर भाग रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि इट्स बेटर कि वो दूर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करीब आने से आपको भी फ्यूचर में हर्ट होगा और इन्हें भी, और ये वो नहीं चाहते। जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएं, वो आपको बताएं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुके हैं, आपको हर रोज़ देखने की उनकी इच्छा होती है, हर रोज़ आपसे बात करने का मन करता है, हर रोज़ वो कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं और कंट्रोल नहीं कर पाते। वो आपसे कन्फेस करने के बारे में सोच रहे हैं, करंट एनर्जी में अपनी फीलिंग्स बताने के बारे में, लेकिन मनी मन वो कन्फ्यूज हैं कि वो ऐसा करें या नहीं करें। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। वो बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, उनको लग रहा है क्या ये करना सही होगा, क्या ये कोई बेवकूफ़ी का डिसीजन तो नहीं होगा जिससे वो बाद में उनको रिग्रेट हो जाए। वो कहीं ना कहीं ऐसा इमेच्योर फैसला नहीं लेना चाहते जिससे कल आपको तकलीफ हो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग।
इन्हें डर लग रहा है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी फियर ऑफ लॉस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। उन्हें लग रहा है क्या होगा अगर आपको उन्होंने एक्सप्रेस किया अपनी फीलिंग्स और आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो वो कैसे हैंडल कर पाएंगे उस रिजेक्शन को। डर बहुत लग रहा है उन्हें, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन का डर है उन्हें। उनको आपके आपके पास आना है, आपके करीब आना है, वो आपको देखना चाहते हैं, वो कन्फेस करने के लिए रेडी हैं इस वक्त, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो कैसे रहेगा। मतलब उन्हें डर लग रहा है कि आपको वो खो देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने एक्सप्रेस किया और आपकी दोस्ती भी उनके हाथ से निकल जाए, यानी कि आप दोस्त भी नहीं रहेंगे उनको, उनको कॉन्टैक्ट में भी नहीं रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है आपसे। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, वो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, डिसाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है इनको। हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, बट वो आपको अपने दिमाग से निकाल भी नहीं पा रहे। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको अपने दिमाग से भी नहीं निकाल पा रहे। वो चाहकर भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे। वो आपसे बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ जन्म का कोई नाता वगैरह है, जिससे चाहकर भी आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। इनको लग रहा है कि इनको आपकी ज़रूरत है, लेकिन इन्हें डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। आपको अप्रोच करें नहीं करें, बात करें नहीं करें, आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे। एक तो वो आपको कुछ दे भी नहीं पाएंगे। यस, इनको आपकी इच्छा है, आपके लिए ये कहीं ना कहीं डिज़ायर रखते हैं, बट बहुत कन्फ्यूज है। टू ऑफ वांड्स की एनर्जी कन्फ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारीफाई करें प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आने वाले समय में, यानी कि विद इन 13 डेज में, 13 डेज मैंने क्यों बोला, मैं 15 बोलना चाहती थी पर मैंने क्यों पता नहीं 13 बोला, तो शायद 13 डे एग्जैक्ट होंगे जो मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं। विद इन समझो 15 या 13 डेज के अंदर आपके पार्टनर या आपके क्रश आपको अपनी फीलिंग्स बताने वाले हैं, या आपसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे, क्योंकि इनको आपको बताना होगा। ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि शायद आप इनकी बातें सुनने के बाद इन्हें सपोर्ट करेंगे, या आपको उसके साथ ये भी बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या इश्यूज है जिसके वजह से इन्होंने अब तक आपको अप्रोच नहीं किया और इतना सोच विचार किया इस चीज़ के लिए। इनकी मदर के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या ये कहीं कमिटेड है, यानी कि या तो इनकी मदर नहीं मानेगी, या ये जो है कनेक्टेड है, कहीं और जुड़े हुए हैं जहाँ पे मैरिज ब्रेक हुई है, कोई कमिटेड रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, या उस इंसान की वजह, उस इंसान से अभी तक निकली नहीं है पूरी तरह। इनकी लाइफ में ये आपको सब कुछ खुलकर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट 13 डेज में, 15 डेज में ये बताएंगे आपको। इस समय क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए सोच रहे हैं, पर बहुत कन्फ्यूज हैं, डर भी लग रहा है उन्हें बहुत ज़्यादा आपसे। नेक्स्ट 13 to 15 डेज में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको बताएंगे, उसका रीज़न भी बता रही हूँ। अभी ये ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूज है, पर 13 डेज के अंदर ये इंसान आपको बता देंगे, पर बताएंगे जो चीज़ जो उनके मन में बॉदर भी कर रहा है, जो ऑब्स्टेकल है जिसके वजह से इन्होंने बहुत देर लगाई आपको अप्रोच करने में, वो ऑब्स्टेकल, वो प्रॉब्लम वो आपसे डिस्कस करने वाले। आसपास की एनवायरनमेंट कैसी है, ये किसी इंसान के कम्युनिकेशन में है 100%, ये किसी से बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता चलने वाला है। एट ऑफ वांड्स, ये किसी से डिस्कशन में है, कम्युनिकेशन में है, कोई है जो आपके अलावा भी इनकी लाइफ में है, जिसके वजह से ही ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते, ये सेल्फिश होकर ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहते जिससे, यस मून 100% कोई है, 100% है, कोई है जो आपके अलावा है, जिसमें कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं सोच सकते कि यार मैं सेल्फिश होकर इस इंसान के करीब आऊँ और कल इसको तकलीफ पहुँचे। यस डेफिनेटली इनके आसपास कोई है जिसके साथ ये जुड़े हुए हैं, जिसके साथ ये हैं, और उसके वजह से ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे। थ्री ऑफ कप्स, होप्स एंड फियर्स। उस तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर आपको पता चल गया तो आप क्या करेंगे उनके साथ? डर है उस तीसरे व्यक्ति को सुनकर, क्या आप उन्हें माफ करेंगे, या क्या आप उन्हें सजा देंगे, क्या आप उनसे दूर चले जाएंगे, या आप उनके दोस्त बनकर रहेंगे? थ्री ऑफ कप्स क्लारिफाई, एक डर आपको लेकर कि पता नहीं आप उनके साथ रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। देयर आर चांसेस कि अगर ये सिंगल है तो ये बताना चाहते हैं कि इनकी शादी कहीं फिक्स हुई है, इनकी शादी कहीं फिक्स हो चुकी है, ये वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं, पर ये आपको काफ़ी पसंद करते हैं, पर इन्हें लग रहा है कि ये आपको बताएं तो बताएं कैसे। अगर ये बात बताएंगे तो ऑब्वियसली आप उनके दोस्त नहीं बनकर रहना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि आप उनके ज़्यादा करीब आएँ, पर उन्हें आपको खोने का भी डर है, वो आपको गिवअप भी नहीं करना चाहते, वो आपको खोना भी नहीं चाहते, उन्हें आप बहुत अच्छे लगते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लारिफाई करें।
नाइन ऑफ सॉर्ड्स ऑलरेडी निकाल चुकी थी ना मैं। अच्छा वापस डाल दिया था यार मैंने। पेज ऑफ वॉन्ड्स, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स। जिस इंसान को आप मनी मन पसंद करते हैं, आपको इसी इंसान से एक स्टेबल फाउंडेशन मिलने वाला है, यानी कि एक सीरियस रिलेशनशिप इस इंसान से मिल सकता है। आप अगर अब मुझे बोलेंगे कि दी आप तो मुझे बार बार ये कह रहे हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति ऑलरेडी इनकी लाइफ में है जिससे बात बात हो चुकी है, पर आप अब बोल रहे हैं कि मुझे कमिटमेंट मिलेगा, विद इन 3 मंथ्स आपको इस इंसान से कमिटमेंट मिल सकता है, भले वो किसी भी इंसान के चक्कर में क्यों ना हो, कोई इनकी लाइफ में क्यों ना हो, फिर भी ये आपको कमिट करेंगे, आपकी तरफ सीरियस होंगे, क्योंकि इनको इनकी तरफ आपको इनकी तरफ से एक स्टेबल फाउंडेशन, एक प्रॉपर मैरिज ऑफर या एक प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली दिख रही है, हैप्पी फैमिली की एनर्जी है इसमें, कहीं ना कहीं ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विद इन 3 मंथ्स आपको कमिटमेंट मिल जाएगा इस इंसान से। विद इन 13 मंथ्स और 13 मंथ्स बोल रहे, विद इन 13 डेज और 15 डेज में ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और आपकी आपको अपनी मजबूरी बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपसे ये इशू है। वो प्रॉब्लम को सुनते हुए ये बात को ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दबाएंगे कि अब ये क्या करें, आपको खोने से डर भी रहे हैं। बट विद इन 3 मंथ्स कुछ ऐसी सिचुएशन घटित होगी जिससे कहीं ना कहीं आपको इसी इंसान से कमिटमेंट भी मिलेगा, यानी कि आपके डेस्टाइन पार्टनर है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिसको आप इतना प्यार करते हैं। इनका आपको सपना भी बार बार आता होगा, सपने बार बार आ रहे हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इशारा कर रहा है बार बार कि ये इंसान के साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, आपकी इनसे शादी होने वाली है, जिसकी वजह से आप इनको लेकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। दी एम्प्रेस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स कह रहा है कि जो भी फैसला लोगे दिमाग से लेना है, दिल से नहीं, इमोशनली ज्यादा सोचना मत, दिमाग से लेना। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर थिंकिंग ये बंदा कहीं और कमिटेड है या बंदी कहीं और कमिटेड है, और वो आपसे आपके कह रहे हैं कि सॉरी यार मेरी लाइफ में तो कोई और पर्सन ऑलरेडी है, या मेरे माता पिता ने ऑलरेडी कहीं बात पक्की की हुई है, आई एम वेरी सॉरी, मैं चाहकर भी तुझे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई लव यू, तो आप इस इंसान से बोलो कि चलो लेट्स बी फ्रेंड्स, हम टच में रहेंगे पर ज्यादा इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इफ तुम ऑलरेडी कहीं ये हो, क्या बोलते हैं, एंगेज्ड हो या मैरिड या शादी कहीं हो रही है, तो मैं तुम्हारे अच्छे समय की कामना करूंगी या करूंगा, मैं चाहूंगा कि तुम जिंदगी भर खुश रहो उस इंसान के साथ, हैप्पी रहो, और थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रहेंगे। ऐसे नहीं कि एडजस्ट कर रहे हैं कि अरे मेरा जानू बाबू सोना, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो तुझे हर हाल में अपना लूंगा, हर हाल में मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ऐसा करके आप क्या करेंगे, ऐसा करके आप अपनी जो है थिन लाइन जो आपकी है, या जो एक माइंड में अपने सामने वाले क्रश को क्लैरिटी दे देंगे कि आप जो है ऐसे किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहते जिसमें टाइम पास हो, आप ऐसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते जो टाइम पास हो, आप कोई ऐसा रिश्ता चाहते हैं जिसमें जेन्युइनली सामने वाला अगर आपको आगे तक फ्यूचर में ले जाए। अगर वो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है ऐसा, या नहीं कर पा रही है, तो ये बेहतर होगा कि वो आपके लाइक हाई हेलो तक ही रहे, और उससे ज़्यादा आप उनके कंट्रोल आपके उससे ज़्यादा आप उनको लाइक अप्रोच ना करें, उनके साथ उससे ज़्यादा उनको इमोशनली आप अवेलेबल ना रहें, उनके लिए उन्हें इतना टाइम नहीं दे। आप जब उनको क्लैरिटी देंगे ना कि सॉरी यार ये पॉसिबल नहीं है, भले आप उनके लिए कितनी भी फीलिंग्स रखते हो, बट आपको दिमाग से हैंडल करना पड़ेगा। जब आप ऐसी बात करेंगे ना, तो विद इन सम टाइम्स, विद इन 3 मंथ्स ये व्यक्ति आपके लिए सॉलिड फाउंडेशन का ऑफर ले आएंगे कि चलो लेट्स गेट मैरिड, मेरे को मतलब, या ऐसा नहीं कि शादी उसी वक्त ही कर लेंगे कि भाई चलो अब मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या फलाना मेरी फैमिली और जो भी तुमको प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मैं तुम्हारे साथ बस रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, ठीक है। सो दिमाग से फैसला लेना है, दिल से नहीं, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की क्रश रीडिंग, अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे मिल जाएगी। ब्रेसलेट बनवाना है, पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, सभी चार्जेबल होती है, फ्री नहीं होती है। व्हाट्सअप नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे है, व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं करना है। डीपी पे अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए बाय कर रहे हैं तो ट्राई कर रहे हैं तो डीपी पे ही चार्जेस लिखे रहते हैं हमारे, अगर बुकिंग बंद रहती है तो बुकिंग बंद दिखाई देता है, व्हाट्सएप की डीपी पे ही रिफ्लेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको डोनेशन वगैरह करना है आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेंबरशिप बाय करना है तो उसका ऑप्शन भी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो में। और यस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, होम सेफ।